हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई, वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और आज की क्लास में मैं बस सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेने आया हूं, आप सबका मूल्यांकन करने वाला हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने आपको कंप्यूटर और जीवन कौशल दो चीजें लगभग खत्म कर दी है। अब क्यों ना थोड़ा सा बारी आ जाए टेस्ट वगैरह की, है ना। ये जो हम चीजें अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज आपको पता चल जाएगा। इस टेस्ट के थ्रू आप एक एक चीज एकदम बढ़िया तरीके से, क्लियर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। जल्दी से आ जाओ लाइव, थोड़ा सा आज लेट हो गया हूँ, है ना। अपनी टी शर्ट पहनने का भी टाइम जो है वो नहीं मिल पाया, है ना। पूजा सूट के सीधा मैं क्लास में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया, जल्दी से आ जाइए। स्वागत है आप सभी लोगों का, जुड़ जाइए। और आज मेरा फोन भी नहीं चार्ज है, तो मैं दूसरे फोन पर आप सबका कमेंट जो है वो देखूंगा। बहरहाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग एग्जाम मास्टर के इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उन सबके लिए खुशखबरी भी है ना। आपने देखा होगा एक छोटी सी अपडेट आई है, अपर कौन सचिव ने कह दिया है कि अब जितना भी 68,000 और 69,000 भर्ती का हिसाब किताब हो गया, मतलब आगे बाकी के जो बचे हुए पद हैं उन पर विचार करने की जो व्यवस्था है वो चल रही है, और ये व्यवस्था जल्द ही पूर्ण होगी, देखिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मार्टफोन को निम्नलिखित में से कितने तरीके से हम प्रिंटर से जोड़ सकते हैं। अभी कल ही मैंने आपको कंप्यूटर और सूचना तकनीकी को एकदम लास्ट तक पढ़ाया है। जल्दी से बताओ आप सबकी तैयारी एकदम कैसी चल रही है। उससे पहले एक बहुत ही बढ़िया अपडेट भी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। यार ये बड़ा मतलब समस्या वाली बात हो जाती है, ठीक है। अब मुझे यहां से इसे क्लोज ऑल विंडो करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर यूपी टेट का एक बैच कोर्स जो है वो आ चुका है, और इस बैच कोर्स में गाइज आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी टीम के साथ अनअकैडमी प्लस पर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। यूपी टेट का ये बैच कोर्स होगा जो कि स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई से, यानी परसों से। आनंद मिश्रा सोशल स्टडी, डिम्पी ईवीएस गर्विता हिंदी, अतुल सर मैथ, शरद इंग्लिश, प्रेम सागर संस्कृत, मैं हूं सीडीपी, और गरिमा है साइंस के लिए पेपर वन एंड पेपर टू का। ये कंप्लीट बैच कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज, रेफरल कोड। जी हाँ दोस्तों, रेफरल कोड की मैं यहां पर बात करूंगा। अगर आप रेफरल कोड अप्लाई करते हो ईएम लाइव, तो आपको टोटल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में, और आप आराम से चीजों को क्लियर कर सकते हो, कवर कर सकते हो विद फुल सिलेबस। तो उससे पहले चलिए अब मैं आपको यहां पर अपना कारनामा दिखाता हूं, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये कुछ हमारे आज के क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को करने हैं। स्मार्टफोन को प्रिंटर से, देख लीजिए निम्नलिखित में से कितने तरीके से हम प्रिंटर से जोड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा आप सबकी स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जल्दी से जुड़ जाइए। 358 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नई नई मैम आई है, कहाँ पर नई नई मैम आई है? अच्छा, नई नई मैम आई है, हाँ देख लीजिएगा आप लोग। फिलहाल ये सुपर टेट के लिए, कंप्यूटर और सूचना तकनीकी के लिए पहला क्वेश्चन है, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आप सबकी स्क्रीन पर, आशा करता हूं कि क्लियर दिखाई दे रहा होगा सबको, किसी को देखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। देर से आए पर एकदम लपालप, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्मार्टफोन को हम इन सभी तरीकों से प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, वायर्ड द्वारा, वाईफाई द्वारा और ब्लूटूथ द्वारा। ये तीनों ही तरीके एकदम सॉलिड हैं, हम अपने स्मार्टफोन को प्रिंटर डिवाइस से कनेक्ट करके आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। यार ये क्या हो रहा है आजकल। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। बोर्ड पे आ गया क्या? ओके 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 ओके, अब मैं क्या करूं यार, आज बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है ना। एक सेकंड, अब आप एक सेकंड रुक ही जाइए, मैं यहीं पर चीजें जो है वो
ला लेता हूं। ठीक है। ओके डॉक्यूमेंट्स। इंसर्ट पीपीटी। जस्ट सेकेंड, अब मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। अब ये कह रहा है कि 100 पेज से ज्यादा आप इंपोर्ट इस पे नहीं कर सकते। देखो टेक्निकल चीजें मेरे साथ भी हो जाती हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर कैसे बढ़ें? हमारा जो मुख्य सवाल है वो ये है कि हम अगले क्वेश्चन पर कैसे बढ़ें, है ना? भाई तुम तो क्लोज हो जाओ। तो सही उत्तर है विकल्प डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। वाह क्या दिन आ गया है। मतलब शेयर इट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी होती है? मतलब मैं क्वेश्चन अगर जूम कर देता हूं ठीक है। थैंक यू। शेयर इट की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो मैक्सिमम कितनी होती है? शेयर इट, हालांकि अब ये एप्लीकेशन जो है वो बैन हो चुका है, ठीक है, किसी के वस्त्र पर नहीं जाते। ठीक है, मैं आपको बता दूं, हमेशा जो विचार होते हैं। क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा है प्रिया, जस्ट अ सेकेंड, अब बताओ, जूम कर दे रहा हूं, अब दिखा? शेयर इट की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? अब तो क्लियर दिख रहा होगा। माई बेस्ट फ्रेंड सुधा जी वेंट टू माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। बस यार आज आप लोगों को ट्रैकिंग नंबर मिलने शुरू हो गए। जो पुराने स्टूडेंट थे, लगभग हम लोगों ने 150 से ज्यादा कॉपियां डिस्पैच कर दी हैं, कल 150 कर देंगे, यानी स्टार्टिंग के जो 300 लोग हैं उनको कॉपियां इस हफ्ते में पहुंचना स्टार्ट बिल्कुल हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए? अभी ये क्वेश्चन क्लियर नजर आ रहा होगा आपको। दोस्तों सही जवाब होगा 25 फिट। 25 फिट जो है, अगर हम बात करें इसका, तो हम शेयर को यूज कर सकते हैं 25 फिट तक। देखिए फिर वही प्रॉब्लम हो गई, मैं क्या बताऊं इस प्रॉब्लम, है ना? क्योंकि तो कुछ ना कुछ मैं करता हूं। ये वाला अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कस्टम सेटिंग लगा लूं तो मजा आ जाए। अब देखिए शेयर इट के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉइड फाइल का एक्सटेंशन है ना? अब तुमको क्या हो गया भाई, इजी बोर्ड भी आ जाओ इसी बात पे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉइड फाइल का एक्सटेंशन है? अब समझ में आ रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको क्लियर, है ना? अब बताओ। यही होता है जब कोई चीज जो है थोड़ा सा टेक्निकल, अगर आप कमजोर हुए नहीं। कोरोना की तीसरी लहर आ रही, एग्जाम कैसे होगा? अरे बिल्कुल होगा एग्जाम, तीसरी लहर से भी लड़ जाएंगे सब लोग, टेंशन ना लो आप लोग, है ना? तो एंड्रॉइड फाइल का एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? देखो एमआईडी, एपीके, मैक्स, ऑल ऑफ द अबव, ये चार है आपका। ठीक है, तीन है, ऑल ऑफ द अबव भी चौथे नंबर पर है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एपीके। ठीक है, सही एपीके तो आपका एक्सटेंशन है। ठीक है,
MID जो है ये ऑडियो फाइल का है, ठीक है। MID जो है ये ऑडियो का है, और मैक्स जो है ये 3D इमेज का है, एक्सटेंशन 3D इमेज। मैक्स जो है 3D इमेज के लिए है, MID ऑडियो के लिए है, और APK जो है ये एंड्रॉइड का एक्सटेंशन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला टच स्क्रीन फोन किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था, बताइए। जो पहला टच स्क्रीन फोन है ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था? विच कंपनी लॉन्च द फर्स्ट टच स्क्रीन फोन, पहला ये जो हम टच स्क्रीन फोन, स्क्रीन टच से जो चलता है, ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था? 640 लोग लाइव आ चुके हैं, थोड़ी बहुत समस्या हुई, लेकिन अब PDF सही जगह से खुल गया है, ठीक है। चलिए सर जी, बाबा जी ने अभी स्कूल खोलने का ऑर्डर नहीं दिया है। देखिए, हालात उत्तर प्रदेश में जितने सामान्य हैं, और प्रदेश में तो बहुत बुरे हाल हैं, लेकिन अब जल्दी कोशिश रहेगी कि चीजें जो है वो सही हो जाएंगी, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। वो अभिनव राठौर जी, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। बनारस से अन्नपूर्णा मिश्रा कह रही हर हर महादेव, तो बिल्कुल आप सबका बिल्कुल स्वागत है। तो पहला IBM जो है टच स्क्रीन फोन जो है वो IBM कंपनी ने लॉन्च किया था, पहला टच स्क्रीन फोन जो है वो IBM है ना, 1992 में, 1992 में सीमोन नाम से पहला टच स्क्रीन फोन लॉन्च हुआ था। सीमोन नाम था इस फोन का, ये पहला टच स्क्रीन फोन था डिजिटल क्रांति में, ठीक है। ये देखिए, जिसको सीमोन नाम दिया गया था, 1992 में IBM ने लॉन्च किया था। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान किसकी एक संगठित इकाई है, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ये किसकी एक संगठित इकाई है, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी वो भी सेंट्रल की, तो ये NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग है ना, केंद्रीय शैक्षिक, ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की संगठक इकाई है। ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। ये भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, इसके अंतर्गत क्या है, ये एक स्वायत्त संगठन है। इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से जान लीजिएगा, इसके बारे में और भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, स्वायत्त संगठन है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र और शिक्षण की सहायकी विभाग के विलय से 1984 में स्थापित इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य था, वो विद्यालय स्तर पर शैक्षिक टेक्नोलॉजी, खासकर जनसंचार माध्यम को एकल रूप या संयोजन मल्टीमीडिया पैकेज में शैक्षिक अवसरों के लिए विस्तार और शैक्षिक प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये स्वायत्त संगठन बनाया गया। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? एक्सप्लेनेशन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बहुत अच्छे से। सर हम 2019 से जुड़े हैं स्पेशल ग्रुप में, टेंशन क्यों करें जब आप हैं अभिनव राठौर, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। गुरु जी बोल बम, अच्छा आज ये मैं उतार के चेंज ही कर दूं क्या, है ना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस पर इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर एग्जाम मास्टर की टी शर्ट नहीं है, तो आज आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। हर हर महादेव, है ना, ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी, क्लास लेना जरूरी था। आगरा से, और कमेंट नेवर लिसन यू, देखिए कमेंट देखे जाते हैं, कमेंट लिसन नहीं किए जाते हैं, तो थोड़ा सा ग्रामर का उचित इस्तेमाल करें। अब चलिए एक रीजनिंग का ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कह रहा है, अनाज भंडार गृह में रखा जाता है, तो जल नदी समुद्र बांध या झरना, ध्यान दीजिएगा,
अनाज का जो संबंध भंडार ग्रह से है वही संबंध नदी यानी रिवर का, सॉरी जल का, नदी नहीं के, जल का संबंध, जल का भंडार ग्रह क्या है? जल का भंडारण हम कहाँ करते हैं? नोट्स कैसे मिलेंगे इसके लिए? व्हाट्सएप नंबर 94 52 26 74 92 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। जो लोग नोट्स पा चुके हैं वो नोट्स को पढ़ें और अपना रिव्यू दें, है ना, कि कैसा लगा स्टडी मटेरियल कैसा है। ठीक है, बहुत जल्दी अगर आपने बुकिंग की है तो बहुत जल्दी अब ऑन द वे है आपका ऑर्डर, ये जान लीजिए। 1 जुलाई के पहले जिन लोगों ने बुकिंग की है उनका ऑर्डर आज ऑन द वे हो गया है। 1 जुलाई से 5 जुलाई की बुकिंग जिनकी है उनका ऑर्डर कल ऑन द वे हो जाएगा। 5 जुलाई से 10 जुलाई वालों का ऑर्डर परसों ऑन द वे हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दिन में हम 10 जुलाई तक वाला, 10 से 15 जुलाई वालों का नर्सों ऑन द वे हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर एंड करेक्ट अपडेट है। तो यहां पर जिनका जवाब है बांध, ठीक है, बांध यानी डैम, डैम यानी बांध, सी वाला ऑप्शन जवाब देने वालों का सही जवाब है। आबिद खान सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार जल को हम बांध में सुरक्षित रखते हैं, बांध के द्वारा जल को भंडारित कर लेते हैं, जैसे अन्न को भंडार गृह में। दोहरा कारक का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है बताइए? क्या है? द ड्यूअल फैक्टर थियरी हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, ये पहला मॉक टेस्ट है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम जो टेस्ट सीरीज देंगे वो कुछ इस तरह से देंगे, क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेंगे। पढ़िए, अगली स्लाइड पे क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, मतलब आपको नीचे स्लाइड करके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंजू राठी टेंशन ना लो, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है, अक्षिता आप टेलीग्राम पर हो, बहुत बढ़िया, सब लोग टेलीग्राम, टेलीग्राम से मुझे इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि मैं क्या बताऊं, बेवजह में आप अपना नंबर बांट देते हो, पता नहीं अनाप शनाप ग्रुप में जुड़ के टेलीग्राम पे और आपका नंबर वायरल है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। जान लो मैंने टेलीग्राम अकाउंट बनाया था और मैं कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे ग्रुप में जुड़ गया जिनके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं, ऑटोमेटिक पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से वहां पहुंच गया। अब बताओ मैं क्या करूं, मैंने टेलीग्राम डिलीट कर दिया। मैंने कहा भाई ये तो प्राइवेसी से खिलवाड़ है, मैं नहीं मानता कि टेलीग्राम सेफ है ना, आपका नंबर कोई भी उठा के पा जाएगा। दोहरा कारक सिद्धांत किसके द्वारा है? तो यहां पर एल्डरफर, डेसी, हैजनबर्ग और मैस्लो, चार ऑप्शन हैं। ठीक है, चार ऑप्शन में दोहरा कारक सिद्धांत, ये फ्रेंडिन हर्जबर्ग, ये आप देख सकते हो फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ये पहली बार सुन रहे होंगे। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य स्थल में कुछ तत्वों से काम में संतुष्टि मिलती है, लेकिन अगर ये अनुपस्थित हैं तो असंतोष पैदा होता है। क्या? कार्य स्थल में जो कुछ तत्व होते हैं उनसे काम करने में कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन अगर ये मौजूद नहीं है तो व्यक्ति में असंतोष पैदा होता है। ठीक है, तो ये है दोहरा कारक का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी से आ रहा है। गांधी जी भारतीय शिक्षा को क्या कहा करते थे? बहुत ही अच्छा और स्टार क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। गांधी जी हमारी इंडियन एजुकेशन को क्या कहा करते थे? फ्यूचर ऑफ इंडिया, बेस फॉर ब्राइट इंडिया, ब्यूटीफुल ट्री या होप फॉर इंडिया, चार ऑप्शन हैं, पहली बार सुन रहे होगे ना। गांधी जी, गांधी जी हमेशा अगर मैं बात करूं तो गांधी जी वर्धा वाले सम्मेलन में कुछ शिक्षा के बारे में बातचीत किए थे और भारतीय शिक्षा के प्रति इन्होंने चिंता जताई थी, और इन्होंने द ब्यूटीफुल ट्री, अगर आप मेरी बात माने सच में, द ब्यूटीफुल ट्री के लिए जाएंगे, ये द ब्यूटीफुल ट्री, इस टर्म का इस्तेमाल गांधी जी अक्सर किया करते थे, समझते हैं इसे यहां पर। इसके पीछे कारण क्या था? गांधी जी ने भारत की शिक्षा के बारे में जो पढ़ा था उसमें उन्होंने पाया कि भारत में शिक्षा संस्कारों के बजाय
समाज के अधीन थी, यानी हमारा समाज जैसा था वैसी शिक्षा हम अपने बच्चों को दे देते थे। तो शिक्षा जो है वो संस्कारों के बजाय समाज के अधीन थी। समाज अगर असंस्कारित था तो शिक्षा भी उसकी वैसी ही हो जाती थी। ठीक है सर, इस क्लास का पीडीएफ भेज देना स्टेटिक ग्रुप में। अरे भाई पहले क्लास तो ले लो, ये तो एक डेमो है कि हम आपको हार्ड कॉपी के बाद टेस्ट सीरीज कैसे देंगे, उसका पैटर्न कैसा रहेगा कि हिंदी अंग्रेजी जिससे बाइलिंगुअल रहे, आपको दिक्कत ना हो। बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, है ना, तो मजा आएगा आपको। और सॉल्यूशन उसका अगले पेज में कुछ इस तरह से रहेगा, तो सॉल्यूशन भी आपको थियरी की तरह रट जाएगा। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी बताओ? यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? वेयर वॉज यूजीसी स्टैब्लिश्ड? कब हुई थी? अभी जी आप तो सिंगम लगते हो प्रियंका गुप्ता, आप भी बड़ा मजाक करते हैं। सर हम दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कल हमारा ऑपरेशन है, आप सभी दोस्त दुआ करो। अंजू राठी बिल्कुल कल आपका ऑपरेशन होगा और आप बिल्कुल ठीक होकर के फिर से क्लास में जुड़ेंगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, है ना, सब कुछ आपके साथ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अरे भाई बतिया तुम भी मान लो। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 900 से ज्यादा लोग लाइव आ चुके हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, तो आज कोई इंटरप्शन नहीं होने वाला है आपकी क्लास में। 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी की स्थापना हुई, 1953। इसका फुल फॉर्म क्या है यूजीसी का? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना, इसी के तहत विश्वविद्यालय में नियुक्तियां वगैरह होती हैं, पाठ्यक्रम बनते हैं, सब कुछ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी के अंतर्गत ही रहता है। चलिए, विद्यालय में कितने प्रकार के अभिलेख होते हैं? अभिलेख विद्यालय में कितने प्रकार के अभिलेख होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर इन द स्कूल? ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसे आप जीवन कौशल शिक्षण कौशल प्रबंधन में आप इसे पढ़ सकते हैं। 900 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, जल्दी से हमें इसे 1000 तक पहुंचाना है। प्रियंका मैं सिंघम की तरह नहीं अपने पापा की तरह दिखता हूं, वाह बड़ा क्यूट सा जवाब दे दिया आपने। और अंजू जी डरने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर वाले भरोसा रखो सब ठीक होगा, सुनील कुमार जी ने कहा है तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। विद्यालय में कितने प्रकार के अभिलेख होते हैं बताइए? तो दोस्तों विद्यालय में मुख्यतः 5 प्रकार के अभिलेख होते हैं, इससे कम का तो ऑप्शन ही नहीं है। 5 प्रकार के अभिलेख होते हैं, कौन कौन सा? फाइनेंशियल रिकॉर्ड, यानी देखिए पर्यवेक्षण, पहला है वित्तीय पर्यवेक्षणीय प्रोत्साहन वितरण, समिति संबंधी और शुल्क संबंधी। देख लीजिए पांचों के नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमने लिख दिए हैं। फाइनेंशियल सुपरविजनरी, है ना, इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, कमेटी रिकॉर्ड और फीस रिकॉर्ड। तो ये सारे आपके 5 टाइप के अभिलेख जो है वो किसी भी विद्यालय संस्था में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आ रहे हैं आपके फ्रायड चचा, देखते हैं इनसे क्या पूछता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव में कितनी मूल प्रवृत्तियां होती? देखो अभी तक तो आपने मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां पढ़ी हैं, लेकिन अब सिगमंड फ्रायड के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं मानव में? तो ऑप्शन है 2। एक होता है जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति, तो दूसरी है मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति, है ना, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक कह लीजिए। बिल्कुल सही जवाब है एन ठाकुर। ठीक है सर, दिखाई नहीं दे रहा यार, अब और कितना दिखाई दे? इसका फॉन्ट साइज और लार्ज करना पड़ेगा क्या बताइए?
इतना क्लियर दिख रहा है, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। एक्सप्लेनेशन में पहले मृत्यु मूलक दे दिया, दूसरे पर जीवन मूलक दे दिया। कोई बात नहीं, समझ जाना। पुरस्कार, बताइए। पुरस्कार एक संतोषजनक व्यवहार है जो किसी व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है और किसी साधन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बताइए जल्दी से, मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है ना? टेल मी, आवाज एकदम क्लियर है? चलिए स्क्रीन में और ज्यादा थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, इससे आप लोगों को दिक्कत ना। ठीक है, आप देखो और ज्यादा ये बोर्ड थोड़ा सा साफ हो गया होगा। वैसे हम इसे और एक बार साफ कर देंगे तो ये आपको और ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगेगा बोर्ड में। पुरस्कार एक संतोषजनक व्यवहार है जो किसी व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है और किसी साधन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये कथन है सी बी गुड, जो ऑप्शन आप देख रहे हैं चौथे नंबर पर, सी बी गुड का ये कथन है पुरस्कार के बारे में। ठीक है, अनुशासन कितने प्रकार का होता है बताइए? अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कितने प्रकार का होता है? डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन दोस्तों 6 प्रकार नहीं, 4 प्रकार भी नहीं, बल्कि 3 प्रकार का होता है। अब आप बताओगे इस करके मुझे इनके नाम क्या क्या है, क्योंकि अगली स्लाइड पे तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी। अब अनुशासन कितने प्रकार का होता है ये आपने बताना है, तो जल्दी से बता दो। सर मैं सुपर ट्रेड बैच से जुड़ा हूं, बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या जवाब दें, दिख ही नहीं रहा यार। अनुशासन कितने प्रकार का होता है आपको नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा यार, बाकी लोग तो जवाब दे रहे हैं, आपकी दृष्टि थोड़ी सी कमजोर है क्या? बताइए, कितना बढ़िया से लिखा हुआ है। मानता हूं कि थोड़ा सा छोटा फॉन्ट हो गया है, बट इतना छोटा भी नहीं है कि आपको दिखे ना। 3 प्रकार का अनुशासन है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। एक है अनुशासन, 3 प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा। प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक और दमनात्मक। ठीक है, अनुशासन कितने प्रकार का है? एक तो प्रभावात्मक, जिसका प्रभाव है ना, और मुक्त्यात्मक यानी थोड़ा सा छूट वाला, और दमनात्मक यानी एकदम दबा देने वाला अनुशासन। तो ये 3 टाइप का अनुशासन आप यहाँ पर देख रहे हैं। गुरुजी, वी आर प्लेइंग द वीडियो एट 1080p 60 पे। देखो ये हमारा जो वीडियो क्वालिटी है वो 1080 तक हम ले जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा इनकोडर हम लोगों ने लगा रखा है, कि मतलब अब इससे ज्यादा बेस्ट तो आपको दे ही नहीं सकते मोबाइल पे, है ना। 4K तो जाएगा नहीं, इससे बड़ा रिजोल्यूशन तो फुल HD बोलते हैं इसे, फुल HD तक आप इसे ले सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो फिर गुरु आपने वीडियो क्वालिटी लो कर रखी है, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। नहीं, इतना बड़ा बड़ा हम लोगों ने लिखा है। जैसे देखिए, व्हाट इज साइबोर्ग? साइबोर्ग क्या है? सर आप बोले थे कंप्यूटर की PDF भेजेंगे, नहीं भेजे। अरे यार भेज दूंगा, और वन लाइनर वाला तो भेज ही दिया था आपको। साइबोर्ग क्या है? बताइए, साइबोर्ग। तो दोस्तों साइबोर्ग एक रोबोट है, दूसरा विकल्प सही जवाब होगा। रोबोट, इसके बारे में देख लो, पढ़ लो। मांसपेशियों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर स्कॉट मॉर्गन ने अब इंसान से साइबोर्ग यानी आधा इंसान आधा रोबोट में परिवर्तित होने के अंतिम चरण में है। साइबोर्ग एक ऐसे रोबोट को कहा जाता है जिसमें इंसान का दिमाग अथवा कोई अन्य काम करता रहता है, यानी इंसान का दिमाग वगैरह जिसमें डाल दिया जाए। यही चीज ऊपर अंग्रेजी में लिखी हुई है, जो लोग
अंग्रेजी समझ सकते हैं वो इस एक्सप्लेनेशन को अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। सर जी, मैंने 1 जुलाई को हार्ड कॉपी के लिए बुकिंग की थी, अभी तक मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया, कब तक आएगी? जय कुमार, एक बार आप मुझे 700 वाले पर कॉन्टैक्ट कर लो, क्योंकि जय कुमार आपके दूसरे नंबर पर वेरिफिकेशन कॉल गया होगा। हो सकता है कि आपने फोन ना उठाया हो, या हो सकता है कि दूसरे नंबर पर किसी और ने फोन उठा के वेरिफिकेशन कर दिया हो, है ना? तो ये चीज है जय कुमार, तो आप जो है ये कर लीजिए। 29 जून वालों को मिल जाएगा सैटरडे तक, मार्च 2020 में। ध्यान दीजिएगा, विश्व का चौथा सबसे लंबा शासन करने वाला शासक कौन बना था? मार्च 2020 में विश्व का चौथा सबसे लंबा शासन करने वाला कौन बना था? ठीक है, सर यूजीसी वाला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, इस्टैब्लिश्ड पूछा है। ठीक है, मैं देख लेता हूं। 900 के आसपास लोग आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय यानी पहला ही विकल्प, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ये विश्व का सबसे चौथा लंबा शासन करने वाली शासिका बन गई हैं। ठीक है, इन्होंने 7वीं सदी के द माइन पाकल द ग्रेट को पीछे छोड़ दिया है, है ना? एलिजाबेथ द्वितीय सही जवाब होगा, पहला विकल्प, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ मैंने जो आपको बताया। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी बताइए, ये एक इंपॉर्टेंट और स्टार वाला क्वेश्चन है। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी, किसको जाता है श्रेय, किसको जाता है श्रेय? नर्सरी स्कूल की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है बताइए? हार्ड कॉपी वाले बिल्कुल टेंशन ना करें, राजेंद्र कुमार, एक बार 700 वाले पे मुझे मैसेज कर दें, मैं आपका वेरिफिकेशन देख लूंगा। हो सकता है आपने फोन नंबर गलत दे दिया हो गलती से, है ना, या आपके दूसरे नंबर पर वेरिफिकेशन कॉल गया होगा। मैं फिर से वही कह रहा हूं, क्योंकि हमारी तरफ से जितनी बुकिंग्स आई थी हमने सब पर फोन किया है, एड्रेस कंफर्म किया है, पिन कोड कंफर्म किया है, मोबाइल नंबर कंफर्म किया, तब भेजा है ना। तो आपके पास कॉल गई होगी, या तो आपने उस समय मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर रखा होगा, या फिर आपने उस समय मतलब दूसरे नंबर पर वेरिफिकेशन हो गया होगा, इस टाइप की चीजें हुई होंगी, तभी ऐसा हुआ है, ये जान लीजिए। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? फ्रोबेल चाचा, किंडरगार्टन वाले। ठीक है, अब इनका पूरा नाम भी जानने का अवसर आज आप सबको मिल जाएगा। फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, ये पेस्टोलॉजी के शिष्य थे, और इन्होंने किंडरगार्टन यानी बालोद्यान या बालवाड़ी की संकल्पना दी, और शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया जिन्हें फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने ही नर्सरी स्कूलों की स्थापना की। ठीक है, 1 जुलाई वालों को कब मिलेगा, मेरे पास कॉल आ चुकी है, देखिये जयलक्ष्मी पटेल, तो आज 1 जुलाई तक वालों का गया है, 1 से 5 जुलाई वालों का कल हम डिस्पैच करेंगे, तो 3-4 दिन लगेगा। ठीक है, क्योंकि यार ऑर्डर पैकिंग करना, एड्रेस वो करना, फिर उस पर टेप लगाना, सब बड़ा मेहनत का काम है। आप लोग सोच रहे हो मतलब कुछ नहीं है, सही में बता दूं, अगर मैं हिसाब देने लगूं तो 2000 रुपये मतलब कुछ भी नहीं है, 18 × 36 यानी 360 रुपये तो हो गई आपकी GST जो सरकार ने ले ली, है ना, हिसाब अगर मैं देने लगूं तो 200 रुपया हो गया आपका डाक का डिलीवरी, है ना, और 40 रुपया के आसपास हो गई आपकी पैकिंग, जोड़ते जाओ, समझ गए, लगभग 360, 240 जोड़ दो, समझ गए, 300-600 रुपये ये हो गया, बच्चे कितने 1400, और लगभग 1000 के आसपास लगा है मतलब प्रिंट कराने में इसे, और कवर डिजाइनिंग लिखाने का तो मतलब एकदम सब वही हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है स्पेशल, और जो बाकी लोग हैं उनको हम 2500 में देंगे, हार्ड कॉपी का जो रेट है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है, है ना, इलाहाबाद में इसीलिए ऑफलाइन हम लोग दे नहीं पाए, तो जो लोग 2000 में लेना चाहते हैं वो अभी ले लें इस एडिशन में, क्योंकि अगला एडिशन जो आएगा वो 2500 में होगा।
है ना, क्योंकि जीएसटी भी देना पड़ रहा है सरकार को। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1985, 1986, 1987, 1988 बताइए, पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई थी? हाँ, ये वो है, अभी 2000 में आप बुक कर सकते हैं, अभी चल रहा है स्लॉट, 200 खाली है लगभग, 200-300। इसके बाद जो अगला स्लॉट आएगा, आई थिंक अगला स्लॉट हम लॉन्च करेंगे 25 जुलाई के बाद या 1 अगस्त से, तो जैसे होगा। कंचन गुप्ता, एक बार हमें 700 वाले पे मैसेज कर दें, हम आपका वेरीफाई कर देंगे, जो सेकंड एडमिन है ग्रुप का, ठीक है। चलिए, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब होगा दोस्तों इसका 1986 में, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। ये देखिए, ये एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में एस्टैब्लिश हुई। सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद के द्वारा पारित हुआ और इस एक्ट के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक संवैधानिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आ गया। तो यह इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में रख लीजिए अगर पुनर्वास परिषद से कोई क्वेश्चन पूछता है। शिक्षा में प्रयोजनवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? ये थोड़ा सा जीवन कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रयोजनवाद है ना, इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, बताइए। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ठीक है, चलिए, तो प्रयोजनवाद विचारधारा में अगर हम बात करें तो विलियम जेम्स का नाम आता है। विलियम जेम्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्वाति राय, आप भी एक बार जो 700 वाला एडमिन है उस पर अपना डिटेल भेज दे, मैं वेरिफिकेशन करवा दूंगा। आप लोग मोबाइल नंबर बहुत गलत दिए हो भाई साहब, लगभग 700 लोगों का मोबाइल नंबर पिन कोड गलत था जो हमारे पास वापस आया है। ठीक है, मैं देख लूंगा जय कुमार भावी शिक्षक। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपनी तरफ से चीजें सही रखो, हमारी तरफ से आपको वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और चीजें, बहुत लोगों ने दो दो बार चढ़ गया था। ठीक है, तो मैं जरूर देख लूंगा, डोंट वरी, मैं अपने लेवल से ये खुद चेक कर लूंगा। विलियम जेम्स यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक इनको माना गया है। प्रयोजनवाद मस्तिष्क का एक क्या है? स्वभाव है, ये एक अभिवृत्ति है और विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत यही है। प्रयोजनवाद का मतलब क्या हुआ? ये हमारे मस्तिष्क का एक स्वभाव है ना, एक एटीट्यूड है। प्रयोजनवाद, किसी प्रयोजन के थ्रू हम कोई काम करते हैं। ठीक है, हमारी बुद्धि में वो प्रयोजन मौजूद है, विलियम जेम्स का नाम आता है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासकीय प्रक्रिया का जनक किसे कहा जाता है? शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासकीय प्रक्रिया का जनक किसे कहा जाता है? गलत नंबर देने वालों के नोट्स हम लोगों को भेज दें यार, बहुत गलत नंबर दे दिया है लोग, मतलब पिन कोड वे गलत डाल दिए हैं आप लोग, ये सब मोबाइल नंबर ऐसा दे दिए हैं कि आपके हस्बैंड उठाएंगे, कहेंगे हमने कोई कॉपी नहीं बुक की है। अब बताइए, रॉन्ग नंबर है, ये कौन सा वेरिफिकेशन है? ठीक है, तो बड़ा जान लो कि सब कुछ खिचड़ी है आप लोगों ने। आप बस दो काम करो, सही मोबाइल नंबर दे दो और सही पिन कोड दे दो। दो चीजें अगर आप सही देते हो तो आपके डाक घर तक तो सही सलामत पहुंच जाएगा पार्सल, उसमें कोई टेंशन नहीं, जिनका पास था उनके पास पहुंच गया है ना, जिनका सही था। जॉन डीवी राइट आंसर है, अब्दुल खालिक सैफी ने कहा है। वहां पर विलियम जेम्स ये
प्रयोजनवाद विचारधारा के प्रवर्तक विलियम जेम्स माने जाते हैं। जॉन डीवी भी प्रयोजनवादी रहे हैं, लेकिन प्रयोजनवाद देखिए वो प्रोजेक्ट विधि जॉन डीवी किलपैट्रिक के शिष्य वो वाला कॉन्सेप्ट अलग है। प्रयोजनवाद विचारधारा का प्रवर्तक अगर मैं बात करूं तो विलियम जेम्स को शिक्षा में प्रयोजनवाद विचारधारा का प्रवर्तक माना गया है, विलियम जेम्स, ठीक है। अच्छा, शैक्षिक हेनरी फेयोल, यहां पर नाम सही जवाब होगा ये तीसरा वाला विकल्प। शैक्षिक प्रबंधन या प्रशासकीय प्रक्रिया में जो जनक है वो है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल खनन इंजीनियर तथा प्रबंध सिद्धांतकार थे। इन्होंने व्यवसाय प्रशासन का सामान्य सिद्धांत विकसित किया जिसका 20वीं सदी के स्टार्टिंग में बड़ा व्यापक प्रभाव था। फेयोल और उनके साथियों ने सिद्धांत का विकास वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के विकास में स्वतंत्र रूप से लगभग उसी काल में किया। ये मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूं, मतलब जब मैंने अपने बीएड के समय में शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन पढ़ा था, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, तो उसमें मैंने ये नाम पढ़ा था। अब मुझे ये याद आ रहा है कि ये वाले फेयोल थे। अच्छा, ये वाले फेयोल थे, है ना, हम लोगों ने उस समय याद कर लिया था जब हमने शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासक पढ़ा था। अब ये फेयोल को मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो मुझे ना बड़ा खुशी हो रही है आपको पढ़ाने में, है ना, कि चलो अब मैं इनको बड़ा डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। सर, हस्बैंड सोचते होंगे पता नहीं कौन फोन कर दिया। हाँ यार, दो तीन लोगों ने बड़ा रूट बात कर दी कुरियर वालों से, मतलब उन्होंने फोन किया, अब उनके हस्बैंड उठा लिए और कहे कि कौन बोल रहे हो यार। अगला बंदा तो ऐसे ही डर जाएगा, कौन बोल रहे हो, कहाँ फोन लगाए हो, किससे बात करनी है। ये तीन क्वेश्चन आप किसी से स्टोन में पूछ लीजिए, अगले बंदे की हिम्मत टूट जाएगी, जान लीजिए, वो बेचारा क्या वेरिफिकेशन करेगा। अरे सर, हम बोल रहे हैं एग्जाम मास्टर से, आपने कोई हार्ड कॉपी नोट्स बुक किया है उसी का वेरिफिकेशन कॉल है। अच्छा, करो वेरिफिकेशन फिर। हाँ सर, आपका एड्रेस ये है। ऐसे होता है, हाँ मेरा एड्रेस ये है, तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला। अरे सर, आपने बुक किया तभी तो हमारे पास ये नंबर आया है। तो ऐसा होता है ना, तो अपने अपने हस्बैंड को थोड़ा सा समझा दीजिए, पहले अपना नंबर दीजिए फिर नीचे हस्बैंड का दीजिए, तो हम पहले आपके नंबर पर फोन करेंगे। आप लोग पहले हस्बैंड का नंबर ऊपर दे देते हैं, नीचे अपना नंबर देते हैं, तो पहले जो फोन है वो हस्बैंड के नंबर पर चला जाता है या पापा के नंबर पे चला जाता है या कोई साथी का नंबर दे देते हैं उस पर चला जाता है, ये वाला दिक्कत हो जाता है ना। तो ये मतलब ठीक है, हस्बैंड का भी अपना पॉजिटिवनेस पढ़ गया है, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। तो नोट्स मिल जाएगा अभी, पवन इंसान मिल जाएगा, डोंट वरी। तो ये सारी चीजें हैं, अब अगला बंदा का आप पहले ही हिम्मत तोड़ दोगे तो बेचारा क्या वेरिफिकेशन करेगा, है ना। अरे मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूंगा तो बड़ा आप लोग कहेंगे कि वाकई में गुरुजी ये क्या है। समूह कार्य एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्यों। समूह कार्य की अगर हम बात करें, सर जी बात बहुत लेट हो रहा है नोट्स में, दृष्टि रॉकस्टार, देखिए देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा जब आपके पास वो पार्सल पहुंचेगा और आप खोलोगे ऐसे। उस फीलिंग को शेयर करना, ऐसे जब आप हार्ड कॉपी रिसीव करोगे और उसके बाद खोलोगे और देखोगे, वो वाली फीलिंग बताना, मुझे शेयर करना। एग्जाम मास्टर टीम को जेड प्लस सिक्योरिटी मानी चाहिए। अरे भैया ऐसा नहीं है ना। सर मेरे इलाहाबाद में दो जीजा हैं, कहिए तो भेज। देखो ये जीजा ईजा को मैं हार्ड कॉपी नहीं दूंगा, मैं जीजा ईजा से बड़ा सावधान रहता हूँ। एक बात बता दूं, जब आप हस्बैंड बनेंगे तब समझेंगे क्यों रूडली बात करते हैं। बात आपकी सही है प्रिया, मैं भी जब हस्बैंड बनूंगा तो मैं तो कहूंगा है हिम्मत कैसे हो गई यहाँ फोन करने की, है ना। चलिए, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें समूह कार्य में देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति को दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब होगा दूसरा विकल्प, ये वाला, है ना, सेकेंड ऑप्शन सही जवाब होगा। ये वाला मॉक टेस्ट का पीडीएफ एग्जाम मास्टर स्पेशल ग्रुप में मिल जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी बताइए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी व्हेन वाज द नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च, नेशनल लिटरेसी मिशन कब लॉन्च किया गया है।
सही जवाब होगा इसका NLM। ये 1988 में, शॉर्ट में इसे NLM नेशनल लिटरेसी मिशन यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 15 से 35 साल की आयु वर्ग के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। कार्यात्मक साक्षरता का मतलब क्या हुआ कि कम से कम काम काज भर का पढ़ लिख ले, है ना, मतलब अंगूठा के बजाय दस्तखत तो करने लगे, सब्जी अब्जी का हिसाब किताब कर ले, इस टाइप की साक्षरता जो है बढ़िया। फिर प्रौढ़ शिक्षा वगैरह आती है इसी में। भारत में ग्रेडिंग सिस्टम कब लागू किया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बात चाहे क्लास चाहे जैसी हो, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट निकल के जा रहे हैं, अगर इसको भूल गए तो फिर मजा नहीं आएगा। ग्रेडिंग सिस्टम ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था, जब ग्रेडिंग सिस्टम आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन 2009, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस समय की प्रेसिडेंट, ठीक है, उन्होंने वो किया था 1988 के बाद। ठीक है, अर्चना सिंह, अगर आपने आज हार्ड कॉपी बुक की है तो विद इन 1 वीक, अगले मंगलवार तक आपको, अगले सोमवार मंगलवार तक हम डिलीवर करवा देंगे, ठीक है। अब वालों को जल्दी हो जाएगा, पहले वालों को इसलिए काम था क्योंकि मैथ वाली किताब छप के नहीं आई थी, है ना, इसलिए डिले हुआ था। गणित वाली किताब अब छप के आ गई है तो हमने ऑर्डर निकाल दिए हैं, और एक दिन में 100 से ज्यादा पोस्ट, 150 से ज्यादा पोस्ट डाक वाला लेता नहीं, वो भी सब घूस खाते हैं वहां पे, है ना, तो ये भी जो है दिक्कत है। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रशासन के प्रमुख तत्वों में कौन से शामिल हैं प्रमुख तत्व? हेनरी फेयोल के अनुसार प्रशासन के प्रमुख तत्वों में कौन कौन शामिल हैं? देखो फिर से फेयोल आ गए, सर जीजा को मत देना, एक और प्रॉब्लम में टीम चली जाएगी, फिर कोरियर वाला भाग जाएगा। हाँ बिल्कुल, इलाहाबाद में तो अभी मिलना असंभव क्योंकि सारी कॉपी ऑनलाइन बुक है ना। इलाहाबाद में जिनको लेना है वो हमारे नंबर पर फोन करके अपना एक, मतलब आपको बता दिया जाएगा कैसे क्या सिस्टम है, तो उस सिस्टम के तहत मिल जाएगा, है ना। तो हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वयन, है ना, ये सभी शामिल हैं। नियोजन सबसे पहले है, संगठन दूसरे नंबर पर है, नियोजन संगठन तीसरे नंबर पर आता है, निर्देशन चौथे नंबर पर आता है, समन्वयन और पांचवे पर आता है कंट्रोलिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो कुछ इस सीरियल में आप याद कर लीजिए, प्लानिंग नंबर 1, संगठन नंबर 2, निर्देशन नंबर 3, समन्वयन नंबर 4 और कंट्रोलिंग नंबर 5 पर। समझ में आ रहा है सबको? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? ये जो पानी की बूंद ऐसे गोल टपकती है, इसका क्या कारण है? द्रव का घनत्व, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व, ग्रेविटी। तो आपको पता होना चाहिए गोलाकार आकृति, ये पृष्ठ के क्षेत्रफल, है ना, तो यहां पर पृष्ठ तनाव जो लोग बता रहे हैं, सरफेस टेंशन, है ना, ये वायुमंडलीय दाब नहीं होगा, ग्रेविटी नहीं होगा, द्रव का घनत्व भी नहीं होगा, जिनका जवाब यहां पर भी है, जैसे श्रीनाथ यादव जी ने कहा है कि हाँ गुरु जी ये बिल्कुल सही जवाब है। देखो भर्ती आने की उम्मीद अब और बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि शासन को भी ये चीज पता है कि अगर भर्ती नहीं देंगे तो वोट नहीं ले पाएंगे, भर्ती इक्वल टू वोट हो गया है अब, और अगर भर्ती नहीं देंगे तो वोट कैसे लेंगे, और वोट नहीं लेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे। तो कुल मिला करके जो गुणा गणित है वो इस चीज को आप लोग समझ लो, बाद में ना कहना कि सर जी बताए। भर्ती आने के जो चांसेस हैं वो पहले से
और कई गुना ज्यादा मजबूत हो गए हैं। सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आज की क्लास बस यहीं तक पढ़ाऊंगा। मॉक टेस्ट का थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम रहा, जिसकी वजह से चीजें सेट नहीं हो पाई। सर सारा काम भुलाकर हर रोज इसी टाइम क्लास लेते हैं, प्लीज थोड़ा फास्ट करवा दीजिए। प्रियंका तिवारी, ये मॉक टेस्ट का पीडीएफ आपको स्पेशल ग्रुप में मिल जाएगा। स्पेशल ग्रुप में जुड़ने के लिए 94 52 26 74 92 पर मैसेज करो। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते ही आपको चीजें मिल जाएंगी। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ हाँ क्या हुआ, रुको 5 मिनट, फोन 5 मिनट रुको, क्लास में। तो चलिए इस व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पीडीएफ मैं भेज दूंगा, आप तैयार कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सभी लोग वीडियो लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो।